हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा छोटे बच्चे जो इन्फंट होते हैं, मतलब जिनकी एज 1 से 1.5 साल तक की होती है, उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ देखने को मिलती है, क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी सिरप देनी चाहिए, कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, क्या यूजेज रहते हैं और उसका डोज क्या रहता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं, और जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सिरप है उसका नाम है सुमोल। आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, कॉम्बिनेशन मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कौन सी मेडिसिन और एसिड प्रेजेंट होता है उसके बारे में, और तीसरा यूजेज के बारे में और डोजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम, तो सुमोल इसका नेम होता है, ये पॉपुलर नेम है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सिरप है, आप देख सकते हो। कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल प्लस मेफेनिक एसिड, ये बहुत ही असरदार टेबलेट सिरप है, क्योंकि इसमें मेफेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत जल्दी असर। अब देखते हैं इसके यूजेज के बारे में। जो सुमोल जो सिरप है, इसके यूजेज का फर्स्ट ऑफ ऑल यूज है रिड्यूस फीवर। जब भी किसी छोटे बच्चे को, मतलब जिसकी एज इन्फेंट में आता हो, जिसकी एज 1 साल से मतलब 1 साल से छोटा और 6 महीने से बड़ा ऐसा कुछ हो, तो उसका जो उसमें जो फीवर देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए सुमोल सिरप का यूज़ किया जाता है। दूसरा है फुल बॉडी पेन। जब भी किसी छोटे बच्चे को, मतलब जो उसका फुल बॉडी पेन होता है, वह चोट मतलब गिर जाता है या किसी अन्य कारण से उसका बॉडी पेन होता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो सुमोल सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसका जो डोज रहता है उसको बीडी में देनी होती है, मतलब बीडी मतलब दिन में 2 बार, और डोज होता है 15 mg, मतलब 15 mg पर किलो के हिसाब से 15 mg इसको देनी होती है छोटे बच्चे को, दिन में 2 बार बीडी मतलब दिन में 2 बार देनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी मेफ्टाल पी। जब फीवर का भी बाप होता है, मतलब जब सुमोल सिरप भी काम नहीं करती, तब ये मेफ्टाल पी जो सिरप है वो बच्चों को दी जाती है, इसमें क्योंकि इसमें प्योर मेफेनिक एसिड प्रेजेंट होता है, और मेफेनिक एसिड अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये प्योर मेफेनिक एसिड इस मेफ्टाल पी जो सिरप होती है इसमें प्रेजेंट होती है, जो फीवर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसका नेम है मेफ्टाल पी। कॉम्बिनेशन के बारे में देखें तो मेफेनिक एसिड, यूजेज के बारे में देखें तो वही यूजेज है सेम, मतलब रिड्यूस फीवर और फुल बॉडी पेन, बॉडी को में पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, और फीवर रिड्यूस फीवर को कम करने के लिए। डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज भी 15 mg पर किलो के हिसाब से दिन में 2 बार बीडी मतलब दिन में 2 बार देने होती है, और इसमें मेफेनिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम है सिनारेस्ट। कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल, मेफेनिक एसिड, फिमरेनमाइड मेलेटा और सोडियम सिकटेग इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें 4 प्रकार के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, और इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो पहला यूजेज है सर्दी जुखाम, मतलब कफ एंड कोल्ड। जब भी किसी पेशेंट को सर्दी जुखाम हो जाता है, उसको ठंड लग जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, मतलब बच्चे की कंडीशन को सही करने के लिए इस सिनारेस्ट जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है रनिंग नोज। रनिंग नोज मतलब बहता हुआ नाक। जब भी छोटे बच्चे को ये आम प्रॉब्लम होती है कि उसको मतलब रनिंग नोज की प्रॉब्लम रहती है, मतलब उसका जो नाक है वो बहने की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए सिनारेस सिरप का यूज़ किया जाता है। डोजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, जब बच्चा जो होता है वो 3 to 6 months का होता है, तब उसमें 1 ml बीडी मतलब 2 बार, मतलब 1 ml उसको देना होता है 2 बार दिन में सुबह शाम। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम है सिट्रिजन, और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड, ये सिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड, और इस यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो वही इसके यूजेज है, मतलब सर्दी जुकाम, कॉफ एंड कोल्ड एंड रनिंग नोज, और रनिंग नोज में इसका यूज़ किया जाता है। और एक और प्रॉब्लम में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एलर्जी में। जब भी किसी छोटे बच्चा, मतलब जो 3 to 6 months का होता है, उसमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है एलर्जी की, कॉमन प्रॉब्लम है, उसको कम करने के लिए भी इस
सिट्रिजिन जो सिर्फ है इसका यूज़ किया जाता है। डोजेस के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज भी वही सेम रहता है, मतलब 3 to 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसमें 1 ml की जो डोज रहता है, और BD मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम इसको देना होता है। नेक्स्ट हमारी जो सिर्फ है उसका नाम है मोंटेला सी, और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है लिवोसिट्रिजिन। ये भी एक एंटीबायोटिक ही है, और यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो वही एलर्जी, सर्दी जुकाम और रनिंग नोज, मतलब खतरनाक ये कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं 3 to 6 मंथ के बच्चे में, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए ये मोंटेक्सी मतलब जो लिवोसिट्रिजिन होती है इसका यूज़ किया जाता है। डोजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है 1 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो इन्फेंट से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, उसमें 1 ml जो डोज रहता है, और बीडी मतलब दिन में 2 बार खाना खाने के बाद मतलब दूध पिलाने के बाद उसको सुबह शाम देनी होती है 1 ml। हमारी जो सिर्फ है उसका नाम है जॉनफ्लॉक्स, और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो होता है ऑलफ्लॉक्सामाइन, और यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो ये लंग्स एक्सपेंशन, जब भी किसी जो छोटा बच्चा होता है 6 to 10 months से ऐसे कुछ ऊपर, तो उसमें कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लंग्स इन्फेक्शन की वजह से, सांस लेने में उसको कठिनाई होती है या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए उसमें जेनफ्लॉक्स जो सिरप है उसका यूज किया जाता है। ये कॉमनली प्रॉब्लम है ये भी। दूसरा है ईयर इन्फेक्शन, जब भी छोटे बच्चे के जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है या कान में से पस बाहर निकलता है या रेडनेस आ जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी ये जेनफ्लॉक्स सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा जो यूजेज है वो है स्किन इन्फेक्शन, छोटे बच्चों में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि इसके जो बैक साइड है मतलब जो पीठ की साइड है उसमें स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, छाले पड़ जाते हैं, या फिर जो अपने जो हिप बोन मतलब हिप का एरिया है वहाँ पे भी उसके छाले हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो जेनफ्लॉक्स सिरप है इसका यूजेज किया जाता है। डोजेज के बारे में डिस्कस करें तो इसका भी डोज वही है, मतलब 6 to 12 ईयर्स के जो मंथ्स के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम देनी होती है इसको। नेक्स्ट हमारी जो गाइस सिर्फ है वो है बिकाजिन, और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो एजिथ्रोमाइसिन, मतलब ये एंटीबायोटिक सिर्फ होती है, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लंग्स इन्फेक्शन जो कॉमन प्रॉब्लम है, और ईयर इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन, इन तीनों इन्फेक्शन में इसे दिया जाता है क्योंकि ये एंटीबायोटिक है, मतलब बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इसके डोजेस के बारे में बात करें तो वही है 6 to 12 months के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml की जो कप होता है उसमें दिया जाता है सुबह शाम, बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी जो सिरप है उसका नाम है ऑफ्लॉक्सनेक भी ये पॉपुलर सिरप है। अगर इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑफ्लॉक्सामाइन और मेट्रोमिडाजॉल, इसमें दो कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो स्टमक जो इन्फेक्शन, स्टमक में जब इन्फेक्शन हो जाता है मतलब उसका जो डाइजेशन का जो कार्य है वो पूरा अच्छा नहीं होता है, स्टमक में जो पेप्सिक अल्सर या कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा जो यूजेज है वो है डायरिया, मतलब दस्त लगना, छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली प्रॉब्लम है, उसको दस्त लग जाती है तो उसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं वो नहीं होते, उसके कारण उसको डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है एंड स्टमक इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए ये जो ऑफ्लॉक्सनेक जो है ना सिर्फ इसका यूज किया जाता है। और ये गाइज याद रखना कि जिन मेडिसिन या जिन टैबलेट जिन इंजेक्शन के पीछे सीन आता है तो वो एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल के लिए दी जाती है। अगर इसके डोजेज की बारे बात करें तो वही इसका डोज भी है 6 to 12 months के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml की जो कफ होता है उसे दिया जाता है बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम, और कभी कभी इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार ओडी मतलब दिन में 1 बार भी दिया जाता है।
नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम है ओंडम, और इसमें जो कंटेंट रहता है वो ओंडासिट्रोन कंटेंट रहता है। ये बहुत ही पॉपुलर जो सिरप है, क्योंकि इसका यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो इसका यूज है वॉमिटिंग को कंट्रोल के लिए। गाइज आप लोगों को पता होगा कि जब भी छोटे बच्चे को दूध मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है अपनी माँ, तो उसके तुरंत बाद उसको या तो वॉमिटिंग हो जाती है या अन्य किसी कंडीशन से डायरिया की वजह से उसको वॉमिटिंग होती ही रहती है। उसमें डिहाइड्रेशन की स्थिति आ जाती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उस वॉमिटिंग को कंट्रोल के लिए इस जो ओंडम सिट्रोन जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही पॉपुलर है, कॉमन सिरप है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में यूज़ की जाने वाली सबसे अच्छी और वॉमिटिंग कंट्रोल के लिए सबसे अच्छी वो सिरप है। इसका डोजेज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डोज है, वही डोज है इसका, मतलब 6 to 12 months के जो बच्चे होते हैं उसमें 2.5 ml की जो कप होता है उसमें BD दिन में 2 बार, और कभी कभी ये TDS में भी चलती है। TDS मतलब होता है दिन में 3 बार इसको लेनी होती है, सुबह दोपहर और शाम को 2.5 ml। नेक्स्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम है ओरोफेर XT, और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है फेरस एक्रोबेट, इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है, और इसके यूज के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमिया मतलब खून की कमी। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं इसमें ये कॉमनली प्रॉब्लम होती है कि जो इसको न्यूट्रिशन या इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन मिलना चाहिए वो अगर नहीं मिले तो इसमें माल न्यूट्रिशन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, मतलब उसमें खून की कमी या फिर अनडेवलप्ड, जितना उसको डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं हो पाता है, और डेवलप नहीं होगा तो उसमें ऑब्वियसली खून की कमी होगी, तो उस कारण से बहुत ज़्यादा वीक होता है। और उसमें जो 6 month तक उसको एक्सक्लूसिव जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग वही करवाई जाती है, मतलब माँ के दूध का ही सेवन करवाया जाता है। उसके बाद जो सप्लीमेंट्री डाइट चालू की जाती है, तो उससे पहले उसको एनीमिया की समस्या देखने को मिल सकती है, मतलब 3 to 6 month के अंदर। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए जो ओरोफेर XT जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। और लो हीमोग्लोबिन लेवल मतलब लो HB लेवल, ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण ब्लड लाल दिखाई देता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण ही इसको एनीमिया होता है। तो उसको कंट्रोल के लिए जो ओरोफेर जो XT सिरप है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर इसके डोजेस के बारे में हम डिस्कस करें तो इसका डोज रहता है 3 to 6 month के जो बच्चे होते हैं उसमें 1 ml BD मतलब दिन में 2 बार, और कोई कोई डॉक्टर होता है जो प्रिस्क्राइब करता है पर वेट और पर हाइट के अनुसार उसका TDS में भी चलता है, TDS मतलब दिन में 3 बार। नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो सिरप है उसका नाम है एल्बेंडाजॉन, इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो भी होता है एल्बेंडाजॉन। अगर इसके यूजेज के बारे में देखें तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन, एब्डोमिनल मतलब पेट में इन्फेक्शन मतलब जो बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है छोटे बच्चों में। आप देखते होंगे कि जब भी छोटे बच्चे को लेटरिंग जाते हैं तो उसमें पेट में से जो वाइट मतलब कीड़े या ऐसे कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो विकसित हो जाते हैं छोटे बच्चों में, तो वो होता है पेट एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब एब्डोमिन में जो संक्रमण हो जाता है उसके कारण होता है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए एल्बेंडाजॉल जो सिरप होती है इसका यूज किया जाता है, और इसमें टेबलेट फॉर्म में भी ये आता है जिसको इंटर करने का जो तरीका होता है, मतलब इसको ओरली और जो NS के द्वारा भी इसको दोनों रूट से दिया जाता है, और इसकी जो छोटे बच्चों में कॉमनली इसमें जो एल्बेंडाजॉल सिरप होती है उसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके डोजेस के बारे में डिस्कस करें तो वही होता है, इसका डोज 6 to 12 months के जो बच्चे होते हैं उसमें 3 ml की टेबलेट या फिर सिरप दी जाती है, BD मतलब दिन में 2 बार। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार विजिट की है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी और न्यू और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।